अल्लाह ने तुम्हें पैसे दिए हैं, नई गाड़ी तुमने खरीदी है, छोटे बच्चे का जूता क्यों बांध दिया आगे तुमने? जूता बांधने से अगर ये एक्सीडेंट से, हादसे से गाड़ी बच सकती होती है तो फिर पाकिस्तान के जितने पीआईए के जहाज हैं सब पर बांध देना चाहिए, सब पे जूते लटके हुए। अजीब तुमने फलसफा तराशा, किसी ने जो है वो काली रंग की पट्टी बांध दी नीचे जिससे इसको नजर नहीं लगेगी, घोड़े के पांव के नीचे जो खुरी लगी हुई होती है कुछ लोगों ने अपने घरों में वो बांधी हुई होती है कि इससे हमारे घर के अंदर कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी ने हंडिया अपने घर के ऊपर उल्टी रखी हुई होती है, ये हंडिया बचा लेगी, और मियां हंडिया क्या बचाएगी तुझे? अल्लाह के कहर से कुछ नहीं बचा सकता। जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नाजल होनी है तो कुछ नहीं बचा सकता। अगर बचना चाहते हो तो फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला की तस्बीह करो, अल्लाह की तहलील करो, मेरे हुजूर पे दुरूद पढ़ो, फिर देखना कि मुसीबतें टलती हैं या नहीं टलती। तो ये खामखा के रुकिए, और ये आमिल लोग जो हैं इनका तो काम यही है, इनका काम चलता है लोग ज़ौफ़ुल इत्तेक़ादी में मुब्तला रहे, और ये कह देते हैं कि आपके खानदान में एक मनहूस औरत है, ये उसका किया हुआ है, तो कोई ना कोई मनहूस तो पहले ही उन्होंने तय कर रखी होती है, फौरन ज़ेहन वहां जाके क्लिक हो जाता है, उसका नून से नाम शुरू होता है, उसका काफ से नाम शुरू होता है, उसका जीम से नाम शुरू होता है, तो पूरे खानदान में किसी का नाम काफ नून या जीम से तो शुरू होता ही होगा, या दोस्तों में, तो फौरन ज़ेहन जो है उधर मुंतकिल हो गया। अब ये बाबा जी ने बता दिया है, हाँ 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 उसने ये बात की थी, कुछ बातें याद आने लगी, उस काफ से शुरू होने वाले नाम के साथ नफरत पैदा हो गई। इस बाबे ने नफरत का कारोबार किया, इसने तो 100 रुपए 200 रुपए ले लिए, लेकिन दो इंसानों के अंदर नफरत डाल दी। इसका गिरेबान कल कयामत के दिन पकड़ा जाएगा। इन मलंगों के पास, इन ज़ौफ़ुल इत्तेक़ादी को फैलाने वालों के पास कभी ना जाओ। तुम्हें मुसीबत पड़ी है, तुम्हें लग रहा है कि शायद मेरे ऊपर जादू है, तो पढ़ो ना सूरा बकरा, जादू जड़ से उखड़ जाएगा। 40 दिन अपने घर में सूरा बकरा पढ़ो, बरकत होगी। कहते हैं मौलवी साहब 40 दिन तो नहीं पढ़ी जा सकती, अड़ाई पा रहे, हमें कोई तावीज ही करते हैं। हम शॉर्टकट चाहते हैं ना, रोजाना सुबह अड़ाई पा रहे सूरा बकरा पढ़े, ये तो हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, तो आप कोई तावीज ही लिखते हैं। कारोबार में बरकत नहीं, मैं कहता हूं पढ़ो ना सूरा वाकया, 3 रुकू है, बरकत होगी। हम कहते हैं हमें तावीज मिलना चाहिए, बस वो हम गले में रख दें, बटुए में रख लें, पर्स में रख लें, और हमारा काम हो जाए, हमें कुछ भी ना पढ़ना पड़े, हमें वुजू तक ना करना पड़े, नमाज ना पढ़नी पड़े, और बरकत हो जाए। ऐसे बरकत तो नहीं आती। इसलिए छोड़ो इनकी जान, आओ कुरान मजीद पे आओ, आओ सजदों पे आओ, आओ दुआओं पे आओ। सहरी के वक्त उसकी रहमतें आवाज दे रही होती हैं, हल मिन मुस्तरज़िकुन, है कोई रिजक मांगने वाला, और तुम उस वक्त सोए हुए हो, सारे दिन ठोकरें खाते हो। आओ ना उस वक्त झोली फैला के, हाथ फैला के कहो मालिक तू झोलियां भर दे, तो फिर देखना कि मेरा बेटा सालिम मुशरिकीन की कैद में है और मैं फाकों की हालत में हूं। तो फरमाया आले मोहम्मद के पास एक शेर जो हैं, बस इसके अलावा हमारे पास भी खाने के लिए दुनियावी असबाब नहीं हैं। कहा सब्र करो और अल्लाह से डरो, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला कसरत के साथ पढ़ो। ये ऐसा वजीफा है, एक हदीस पाक में आता है कि ये 99 बीमारियों का इलाज है, उसमें सबसे कम दर्जे की बीमारी हम और गम है, ये दुखों का मदावा है, मुश्किलात का इलाज है, और ये वजीफा मेरे हुजूर ने बताया। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने 5 चीजें बताई थी, उनमें से 5वीं चीज ये थी कि अबू ज़र कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ा करो। फरमाया अर्श इलाही के नीचे एक खास खजाना है, ये वजीफा वहां से आया है, ये जिंदगी में मामूल बना लो, जब फंस जाओ मुश्किलात में आ जाओ तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो, अल्लाह रास्ते खोलेगा। तो हुजूर ने 3 चीजें फरमाई, अल्लाह से डरो, सब्र करो, और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ो। वो फरमाते हैं कि मैं ये अमल शुरू किया, अभी घर में बैठा ही था कि दरवाजे पे दस्तक हुई, तो मैं उठा कि दरवाजा खोलूं देखूं कि कौन है, तो दरवाजा खोला, देखा मेरा बेटा खड़ा है और उसके पीछे 100 ऊंट खड़े हैं। तो मैंने कहा कि तुम और ये ऊंट? कहा मुझे मौका लग गया, मैं उनकी कैद से भाग आया,
वयर्ज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तुम्हें वहां से रिज़्क देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं। उसके हो के तो देखो, अल्लाह अकबर, अल्लाह के हो जाओ तो फिर वो तुम्हारी जरूरतों का कफील हो जाए। फरमाया हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि किसी शख्स को फक्र फाका आ जाए तो वो लोगों को बताए कि मैं आजकल बड़े मुश्किल हालात में हूं, हर वक्त लोगों को बताता रहे तो उसकी मुश्किल बढ़ेगी, उसकी मुश्किलें आसान नहीं होंगी इस तरह। और अगर वो अपनी उस मुश्किल को किसी से शेयर ना करे बल्कि मुसल्ला बिछा के अपने रब से कहे कि मालिक फक्र फाका आ गया है और इसका इलाज तेरे पास है, इस मर्ज का मदावा तेरे पास है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि रसूल करीम ने फरमाया जल्द या बदेर अल्लाह उसको माला माल फरमा दे। ये भी कभी करके देखो, मुश्किल आ जाए, फाका आ जाए। और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है, जिसने एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत की अल्लाह 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब अता करे, और कितना बड़ा अजर है। आप एक साल में भी शायद 10 कुरान मजीद ना खत्म कर सके और सूरह यासीन पढ़ें तो 10 मरतबा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब नसीब होगा। तो अपनी सुबह का आगाज सूरह यासीन से किया करें, नमाज फजर के बाद इशराक तक सूरह यासीन पढ़ लिया करें। सूरह यासीन अगर आप पढ़ के अपने दिन का आगाज करते हैं, आपका सारा दिन खैर से गुजरेगा। उस दिन अगर कारोबार करेंगे तो बरकत होगी, उस दिन बहुत सारी बीमारियों से, आफातो बिल्लियात अर्जिया और समाविया से बचे रहेंगे, लोगों के शर से, हादसात से महफूज रहेंगे। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कुरान मजीद में एक सूरत है जिसकी 30 आयात है, अगर कोई शख्स उसकी तिलावत करता है तो वो सूरत पढ़ने वाले की शफात करती है और इतनी बार शफात करती है कि उसको बख्शवा के छोड़ती है। वो सूरत कौन सी है? वह या तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, ये सूरतुल मुल्क है, 30 आयतें हैं। जो शख्स इसकी तिलावत करे ये इतनी बार सफारिश अल्लाह की बारगाह में करती है कि अपने पढ़ने वाले को बख्शवा के छोड़ती है। अपने दिन का आगाज सूरह यासीन से करें और अपनी शब का आगाज सूरह मुल्क से करें। सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत जरूर कर लें, इंशाल्लाह इससे रात बरकत से गुजरेगी। जिसने एक दिन में 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दे ही पढ़ा, कितनी मरतबा? 100 मरतबा। क्या पढ़ा? सुभान अल्लाह व बिहम्दे ही। फरमाया कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हो तो अल्लाह माफ फरमा देगा। तो ये अपने वज़ाइफ़ में शामिल कर लीजिए, सुभान अल्लाह वबे हमदही। और हदीस बुखारी है कि दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को महबूब हैं और जुबान पर मुश्किल नहीं, जुबान पर बड़े आसान हैं, और जब मीजान पे रखे जाएंगे तो पलड़े को झुका देंगे, बड़े भारी हैं मीजान पे। वो दो कलमे यही हैं, सुभान अल्लाह वबे हमदही, सुभान अल्लाह अज़ीम। तो अगर इसको 100 मरतबा रोजाना पढ़े तो समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह माफ फरमा देता। अल्लाह फरमाता है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? जरा लहजा देखिए, जरा अंदाज, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? तुम उसकी मखलूक हो, अपने दस्ते कुदरत से उसने तुम्हें बनाया है तो वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? उसकी जरूरत नहीं है कि तुम्हें अजाब दे, ना उसकी चाहत है कि तुम्हें अजाब दे, कोई खुद छलांगे लगाए तो उसकी मर्जी। फरमाया कि मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, वो तुम्हें अजाब दे के क्या करेगा? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र अदा करो और ईमान लाओ तो वो तो कदरदान है जो कोई उसका शुक्र करता है और जो उस पर ईमान लाता है। तो अल्लाह उसके लिए अजाब नहीं रखा, उसके लिए रहमतें रखी हुई हैं। तुम्हें दस्ते कुदरत से बनाया है और वो तुम्हें खुश देखना चाहता है, तुम्हें खुशहाल देखना चाहता है, तुम्हें सरशार देखना चाहता है, तुम्हें निहाल देखना चाहता है, तुम्हारी ज़िंदगी को खुशगवार देखना चाहता है। तुमने अपने आप को खुद अपने आमाल की वजह से मुसीबतों में डाला है तो कहा शुक्र करने की आदत डाल लो, देखना फिर अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रहमतें तुम्हारे ऊपर किस तरह उतरती हैं, उसकी नवाजशें तुम्हारे ऊपर कैसे बरसती हैं। तवक्कुल अगर हम सीख जाएँ तो तवक्कुल एक ऐसी दौलत है कि जो खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत बनती। जब हम अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करते और हम समझते हैं ये सब कुछ हमारी मेहनत का नतीजा ही होगा, और नतीजा जब नहीं आता तो फिर हम बेचैन मुस्तरिब हो जाते हैं, और जब हम उस पर तवक्कुल कर लें तो फिर हमारा सिर्फ इतना ही काम है
कि मियां हम ये काम कर रहे हैं, बस ये हुक्म, हम बीज बो रहे हैं, बस ये हुक्म है और बो रहे हैं, बाकी उस पे भरोसा है, ये काम उसका है कि उसने इसको उगाना है, उसके ऊपर फल लगाने हैं। तो जब उस पे तवक्कुल हो जाए तो बंदा सौखा रहता है, वरना बंदा मुश्किल में मुबतला हो जाता है। बसाओं का तो ऐसा होता है कि बंदा एक मंसूबा तैयार करता है, उसका अमली नतीजा उसको सामने नज़र आ रहा होता है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट जाता है। सैयद अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मैंने अपने इरादों की शिकस्त से ही अपने रब को पहचाना है, कि मैं एक मंसूबा तराशता हूँ कि ये और यूँ होगा और वो होना चाहिए, लेकिन नतीजा वो नहीं आता, तो कोई ताकत है उसका जो नतीजा बदल देती है। तो बंदा उस ताकत पे यकीन करते, उस पे तवक्कुल करके जो है वो उस पे भरोसा कर ले, तो ज़िंदगी सौखी हो जाती है। मगरब में जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते वो खुदकुशी कर लेते हैं कि ये क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हम खुदकुशी इसलिए नहीं करते, हम कहते हैं मेरा रब जिस तरह चाहे उस तरह ही होता है, जो उसने तय किया हुआ है वो करके रहता है। इसलिए तुम उस पर तवक्कुल कर लो और उस पर भरोसा करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लो अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाह हक तवक्कुल ही, अल्लाह पर तवक्कुल करने का जो हक है अगर तुम वो अदा कर दे, तो फरमाया अल्लाह तुम्हें ऐसे रिस्क अता करे जैसे परिंदों को अता करता है। हमारा तो कारोबार है, ये फैक्ट्री है, ये दुकान है, ये हमारी नौकरी है, हमने यहाँ से कमाई करनी है। परिंदों का कोई कारोबार नहीं होता, कोई नौकरी नहीं होती, कोई ठिया कोई अड्डा नहीं होता जहाँ जाके उन्होंने रिस्क के लिए कोई आगाज़ करना होता है। बल्कि हुज़ूर ने फरमाया, तखदु खिमासन व तरूहु बितानन, जब वो सुबह घर से निकलते हैं तो खाली पेट निकलते हैं और उन्हें कोई अपनी मंजिल का तयन नहीं होता, जिधर ख्याल आया उड़ गए उधर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को खाली पेट वापस आए हों, कहा वो पेट भर के आते हैं। बाहू बोले, बन तवक्कुल पंछी उड़ दे, खर्च ना पल्ले जेरा हो, जब घर से उड़ते हैं तो उनके पल्ले ना कोई खर्च होता है, ना रासुल माल होता है, ना कोई औजार होते हैं, ना कोई हथियार होते हैं, कुछ भी नहीं होता, यूं ही घर से निकलते हैं, कभी भी खाली पेट नहीं आए। फरमाया, अगर अल्लाह पे परिंदे तवक्कुल कर लें तो अल्लाह उसे भी अता करता है, तुम तवक्कुल करोगे तो तुम्हें अता नहीं करेगा।